हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों का एग्जाम्स भी बहुत अच्छा गया होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडीज एग्जामिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज द आंसर्स, प्रोबेबल आंसर. ओके, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है दैट वाज नॉट सो मच इजी एंड नॉट सो मच डिफिकल्ट. मॉडरेट लेवल का कॉम्प्रिहेंशन से इसमें दिया गया था. और जस्ट जिसको रीडिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग स्किल पढ़ने का एबिलिटी है एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, तो वो इजीली कर पाएंगे. नेक्स्ट जो चीज मैं बोलूंगी, सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकलनेस नहीं था, बट मैक्सिमम क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड था एंड इन्फेरेंस बेस्ड था. इसमें मैक्सिमम जगह में हमें लॉजिकली हर चीज को सोचना होगा, देन वी विल गिव द वी कैन गिव द आंसर. तो एक बार देखो, चेक करती है जो क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है. इसमें देखो, फर्स्ट जो पैराग्राफ है, टोटल 26-27 क्वेश्चंस हमारे पास था इंग्लिश का, और सभी में हर पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ में दो या तीन क्वेश्चंस करके पूछा गया था. इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ जो बोला है, बाय द टाइम चिल्ड्रेन रीच क्लास 8, द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी एज रेंज ऑफ 13 इयर्स टू 15 इयर्स, बट इन आवर कंट्री अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन क्लास 8 स्ट्रगल विथ रीडिंग सिंपल टेक्स्ट एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू डू बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक डिविजन. मतलब यूजुअली जब जब चिल्ड्रेन जब क्लास 8 में पहुंचते हैं, द बल्क ऑफ देम मैक्सिमम टेंड टू बी द एज रेंज. सबका एक टारगेट होता है क्या, जो कौन सी एज पे जा रहा है, 13 इयर्स टू 15 इयर्स. लेकिन हमारी कंट्री में अबाउट अ क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रेन, क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, मतलब यू कैन से दैट 1/3 बच्चे जो है वो स्ट्रगल करते हैं रीडिंग में, जो वेरी सिंपल टेक्स्ट है, एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू डू बेसिक अरिथमेटिक. मैक्सिमम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो डिविशन करने के लिए भी मुश्किल होता है. मतलब फर्स्ट जो पोर्शन है इसमें एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के बारे में बताया गया है. हर साल अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल मूव इन टू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूल. तो हर साल 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स का जो फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल से मूव करते हैं ऐसे लाइफ में दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूलिंग, जो कंपल्सरी स्कूलिंग से आगे है. दे कैनॉट एंटर द वर्क फोर्स एट लीस्ट द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल दे आर 18. वर्क फोर्स में ये लोग एंटर नहीं करते कर सकते जब तक इन लोगों का 18 ईयर्स नहीं हो रहा है. फॉर मेनी फैमिलीज दिस चिल्ड्रेन आर फर्स्ट फॉर देयर फैमिलीज एवर गो टू फॉर इन द स्कूल. बहुत सारी फैमिली में दिस ये जो बच्चे हैं दे आर फर्स्ट फॉर देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार टू स्कूल. Parents and children expect that such graduates will go on to high school and college. मतलब parents children बच्चे जो है expect करते हैं जो ऐसा जो graduates है from school will go जाएगा कहाँ पे, on to high school and college. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competences are far lower than they should be even based on curricular expectation of class 8. मतलब एक ओवरऑल हम देखते हैं कि जो एजुकेशन के ऊपर जो स्कूल करिकुलम जो है, स्कूल करिकुलम में जो एजुकेशन सिस्टम जो है, इस सिस्टम यूनिफॉर्म ना होने की वजह से सो मेनी स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, साथ साथ ये भी है क्या, जो एबिलिटीज होने के बावजूद भी एकेडेमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर. मतलब क्या, जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो एकेडमिकली जो एक पोटेंशियलिटी है वो नहीं है. तो दिस इज द पैराग्राफ. अब हमें बोला है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. अजम्पशन मतलब जो एक आइडिया हम कर सकते हैं इस पैराग्राफ को पढ़कर. फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल दैन द गवर्नमेंट. स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स ऑफ टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस दिस इशू ब्रॉट आउट. आई होप इट इज क्लियर. तो जो स्कूल का जो करिकुलम है दैट कन्फर्म्स टूडेज रिक्वायरमेंट, जो स्कूल का जो करिकुलम है वो आज का दिन का जो रिक्वायरमेंट है एंड यूनिफॉर्म ऑफ द एंटायर कंट्री, ये एड्रेस होती है इस प्रॉब्लम के लिए. मतलब अगर स्कूल में अगर इसी टाइप के पढ़ाया जाए जो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन अगर हो जाए, तो दैट मस्ट बी बेटर.
तो दैट्स व्हाई आंसर हमारा होगा क्या, विच ऑफ द अजम्पशन गिवन आर वैलिड, दिस विल बी ट्रू. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया मीन्स टोटल ओवरऑल पैसेज का एक आइडिया क्या बोला जा रहा है. टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिसॉल्व द इशू ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अवर स्कूल चिल्ड्रन. मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड द टीचर्स इज अ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस. पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशन. डेफिनेटली जो पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या है, इसमें देखो हमें अच्छे तरीके से पता चल रहा है जो एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फॉर लोअर दैन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन द करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लास एट. देयरफॉर पब्लिक पॉलिसी शुड ensure that competencies and achievement of young people are aligned with their expectations. Our India is not going back to advantage. No, demographic dividend ki baat isme ho rahi. The next, we take it for granted. Now, the science has a social responsibility. Science ka ek social responsibility hai. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. Idea jo hai, ye Newton or Galileo se hi jo aaya hai, aisa nahi. They thought of science as an account of the world as it is. Aur wo log soche the ki jo science and thought that science as an accountant kis cheez ka, of the world as it is. And the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. Only ये लोग क्या कर रहे थे? Only सच बता दिए थे. The idea that science is a social enterprise in the modern and begins at the industrial revolution. जो main idea जो है science का, जो main science को मतलब highlight और किसने किया था? Industrial revolution के बाद. We are surprised that we cannot trace the social since further back because we nurse the illusion that the industrial revolution ended a golden age. मतलब हमने ये सोचते हैं कि जो industrial revolution में revolution क्या किया, end कर दिया एक golden age को. बट ठीक exactly वो नहीं है. industrial revolution क्या किया था, जो highlight कर दिया था हमारी science को. तो इसमें बोलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस. साइंस मस्ट वैल्यू कमिटमेंट. नो, साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाई एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड साइंस मस्ट परसू बोथ ट्रूथ बट द रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. देखो We nurse the illusion. हमारे पास एक illusion है, मतलब एक भ्रम है क्या, that the industrial revolution ended a golden age. No, science क्या है, responsible भी था किसके लिए, welfare के लिए. That's why we can say that ये जो दोनों है, इन दोनों में हमारी confusion हो सकता है. The industrial revolution was made possible by advancements of science and मतलब possible हुआ था science के advancement में. Now science made pursue truth but responsible for the social welfare. Definitely science के लिए ही industrial revolution हुआ था, ऐसा नहीं, but science हमारी social welfare को pursue किया. That's why the answer will be D. The next paragraph हमारे पास जो था, this is that. इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट एंड वेस्टेड ग्लोबली. फूड इज नॉट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन. द इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन. द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन बाई अबाउट 45%. मतलब इसमें एक बेसिक चीज को डिस्कस किया गया है, जो डिग्रेडेशन बाई 45% फूड जो वेस्टेज हो रहा है, that is another reason, degradation of land mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons and the carbon dioxide production every year. So which of the following statement is the best reflection of the most logical and the rational inference nikalna hai jo logical hoga. The first, current methods of the food distribution are solely responsible. No, solely responsible to ye, and this is not the sole responsible. Sole responsible matlab only one responsible. Definitely not. Land productivity is adversely affected. Prevailing trend, definitely kyunki land degradation ki baat isme hua. And the reduction in the loss and wastage of food results in the larger carbon footprint. And the poor harvest technologies is go टू प्रिवेंट द रिडो, ये नहीं होगा. तो देखो टू एंड थ्री इज अ प्रोबेबल आंसर.
देयरफॉर हम इसको बी लेंगे। वन हो सकता था बट इसमें सोलली बोला है तो सोलली के लिए ये वन नहीं होगा। Based on the above passage, the following assumption have been made. Kya assumption hum kar sakte hain? The food distribution mechanism needs to remained at made effective to reduce the loss and wastage food definitely. Ye to kar sakte hain. And ensuring the reduction of wastage and the loss of food in a social and the moral responsibility of all citizens. That's mean 1 and 2 dono ke liye hi applicable hoga. Answer hamara C aayega. Next question, next paragraph. The inflation rises even government previously committed to budget discipline and spending freely household. Higher interest rates announced by the central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity. And inflation rate, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help household. So the first question, which of the following statement is the best reflect या reflects the most logical rational inference मतलब one inference भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। Central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. The effects of the monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government. Both, I hope it is clear, ये दोनों ही हमें आंसर करना पड़ेगा, both one and two, दोनों ही inference हो सकते हैं। Central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. Based on the above passage, the following assumption हम ले सकते हैं, that is fiscal policies government are the solely responsible of the higher price and higher price do not affect the long term government bonds. तो इस sentence में, इस question में higher price do not affect, इसमें बोला है कि the risk of the monetary unwinding the greater than public debt rises because interest rate become more important budget deficient. इसमें बोला है how a higher rise do not affect to long term. That's mean first and second कोई भी आंसर इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो हम करेंगे neither one nor two. The history of science, next paragraph, the history of science is real history of mankind. In a striking epigram, a 19th century writers link science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast on the aspect of truth which may be easily overlooked. ठीक है, but in the case it is easy to overlook the relations between the science and mankind and to treat the former as some abstract third party and which can sometimes be praised for the beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. Science and mankind cannot be divorced. This is a very important line. Science and mankind cannot be divorced from time to time and at man's convenience. So divorce matlab alag nahi ho sakti hai man ki convenience ke anusar. And yet we have seen that in spite of countless opportunity for improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेटिकली कन्वेंट मतलब स्ट्रेस दिया है किसमें, बाय द ऑथर टू पैसेज, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे, इट इज साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। करेक्ट आंसर हमें चूज करना पड़ेगा, द करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, जो इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, नो, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट कंटिन्यूड, नो, तो answer will be D, neither one nor two. Based on the above passage, following assumption have been, we can say that the horrors of modern life are inevitable. The horrors of modern life are inevitable result for the progress of science, and the aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has to. So definitely, answer is ka both one and two. Go for the next paragraph. Only the long experience and opening his wares for on many beach where the language is not spoken, with the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and universal in his choice. अब इसमें देखो, language universal है, such delicate good, justice, love, honor,
courtesy and indeed all things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at least at ease among their fellows. So, dekho, first mein, when we meet other people while we travel, we learn to differentiate between क्या डिफरेंशिएशन होता है, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज. डिफरेंशिएशन किस चीज की होती है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन, ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिसॉल्व द डिफरेंस अमंगस्ट पीपल. सो इसमें हम कौन सी ऑप्शन देंगे? ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस एंड ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यू. वन एंड टू बोथ विल बी द राइट ऑप्शन. Next question. Today, it considers cities such as New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world. It is because plan carrying the heavy systems approach were imposed the precedent. The backbone of the system theory. Dekho, backbone of the system theory is the process of translating social, spatial, and the cultural desirable into mathematical models using computing, statistics, optimization, and on the algorithm way to of formulating the solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals and planning, spawning some most ignitious planners. But this is the backbone of the system theory. तो इसमें से हमने एक इन्फेरेंस क्या निकाल सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड द रैशनल इन्फेरेंस. मोस्ट लॉजिकल, द करिकुलम ऑफ द अर्बन प्लानिंग कोर्सेस शुड हैव डाइवर्स डेफिनेटली एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. द फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए. And B, the India, in India, city administration is under bureaucracy which lacks. ये तो definitely not. तो इसका आंसर हमारा ए होगा. बाकी ऑप्शन देखो. इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज द लोकल अफेयर्स, इसके बाद हमने किया नहीं. एंड विद अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरिया, इसके भी बाद हमने किया नहीं. तो आंसर हमारा ए आएगा. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन, इंडिया नीड्स न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स एंड विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस. First option, an Indian university is present to no capacity, definitely not, potentiality definitely hai. So only one answer hai. Next passage number, next question. Not every voice in the internet commands the same kinds of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice if political discourse in the digital sphere is the matter of outshining one opponent till the elections is on. Which of the following statement central idea? The first option definitely constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access of information. Definitely, social media is restricted to the promotion of content and generate more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. Answer A. Based on the above passage following assumption, we can take internet not inclusive enough. No, definitely not. Internet can adversely affect the quality of the politics in a country. So two answer will be B. The robust democracy, next paragraph. In the robust democracy, reality, however inconvenient it may be, finds an expression both in the speech of political leaders and other social forms of assertion. The existence of the real has to be transparent both through both through its circulation in and by the media as well as in the argumentative articulation and deliberative democracy. A normatively responsible media through communication effect has the responsibility of circulating.
अच्छा इसमें बोला है बेस्ट रिफ्लेक्स द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज, मतलब एक क्रुशियल एक्सप्रेशन किसमें से मिल सकते हैं, कौन से ऑप्शन से हमें क्रुशियल एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलते हैं। इसमें जो आंसर जिसमें जो हमारे पास वो दिया है दैट इज क्रुक्स ऑफ द अबव पैसेज। क्रुक्स एंड क्रुक्स मतलब होते हैं कि पाजलिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम या अनसॉल्व रिफ्लेक्शन, क्या है कौन सी प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व है। तो इसमें बोला है रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन द आइडियल डेमोक्रेसी। फेक न्यूज सिस्टम इनहेरेंट डेफिनेटली इनहेरेंट इन द लाइफ नो, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड इरेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स लीडर्स कैन नॉट बी पोलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। ये भी नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices and consumers increasingly network their homes. Okay, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into corporate storefront. Corporate marketers will have powerful incentives or observe consumer behavior to understand the buying needs to preference in the device owner. Very simple, which of the following best reflects the most logical? So first option, knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure. बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहीं पे capital expenditure की बात हुआ नहीं। Knowledge of consumer behavior that stimulates the growth of commerce. No. Interconnected devices give a lot of comfort. Absolutely not. But interconnected devices can be at a security risk and the home users may have privacy risk. Next question, next paragraph. Green growth means forestation. Revolve rethinking growth strategies with the regard of the impacts on environmental sustainability and environment rescue resources available to poor and vulnerable group. In rethinking growth, we need to focus the current reality of the resource constrained world. Resource intensive and the particular energy intensive process will need to make way for more efficient and the resource frugal development strategies. Acha. Development strategies. फ्रिगुअल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, इसमें हमें बोला है जो क्या है प्रॉब्लम, रिफ्लेक्ट द क्रिक्स ऑफ द अबव पैसेज, क्या प्रॉब्लम इसमें है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी इराडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, टुडेज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, द इनइक्वालिटीज आर इनएविटेबल। यही चीज इसमें बोला ना, रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड आंसर है। Conventional classroom by emphasizing fixed during over learning effectiveness design themselves on very variable outcomes, and the tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. In the end, the few learners shine, some survive and the rest are left behind. After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind. This is how we end up the 10% of employability in our graduates after the decades and half of formal education, repeating the same ineffectual scripts in the realm of the skill education will not produce different results. Jo skill agar na aaye to different result प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्स कौन सा है। इन कॉन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ द लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉन्वेंशनल क्लासरूम एनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, बोथ आर एप्लीकेबल। आंसर हमारा होगा क्या, सी। Following assumption on the base of this passage, इसमें से हम assumption क्या कर सकते हैं। First option दिया, large number of workers in our country are employed in the unorganized sector, जो इसके साथ नहीं है।
Even its present conventional classroom system, Education India produce sufficient number of skills workers to fully realize the benefit of the demographic dividend. ये भी नहीं है. That's why answer है D. Neither one nor two. When a child reaches the adolescence, there is apt to be conflict between the parents. Between the parents and the child, since the latter considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solicitude, which is often the disguise, for love and power, love of power. Parents consider usually that the various moral problems which arise the adolescents, particularly peculiarly their province, the options they express, however, are so dogmatic. मतलब जो change नहीं होता है, and the young seldom confide them. So देखो, अब इसमें से assumption हम क्या ले सकते हैं? The adolescents does not feel comfortable with the parents because they tend to be dominating. Assertive. An adolescent's modern time does not have much respect for the parents. No, there is a moral problem. So, only one. Which of the following statements best reflects central idea? What is the central idea? Parents in the general may not be on the much help their children are on their way to becoming adults. When children reach adolescence, involvement of the parents in their lives is unnecessary. No. Modern day nuclear family not capable of bringing up children, absolutely not. Then in modern societies, adolescents tends to be stubborn, disobedient and careless. No, to answer, parents in general may not be much help. Next jo question, next paragraph jo hai, this is, unlike religion and science, poetry does not pose it or expect any belief or absolute truths. Those forces of individuals who claim to have absolute truth in their grasp trained to turn directorial and the tyrannical, truth usually does not admit the contradiction and the imperfection. And against the tyranny of truth, poetry remains a partition of democratic reality against the arrogance of power, wealth. Against the power and wealth. Wealth and a hierarchy, poetry propose both humility and defiance. So which of the following statement best reflects the most logical and the rational message? It is a poetry, not science, religion, which recognize the accepts the imperfections in humans. Truth is revealed through science or religion, the poetry of the anathema. The poetry of the romantic imaginary and is about feeling, whereas science and religion are not about truth. Dekho, isme, this clearly, it is poetry, not science and religion, which recognize and accepts imperfection of human being. The flower was not, next question, next paragraph, the flower was not invented to please us. It flaunted its petals and sprayed its perfume to attract an insect. The insect carries the pollen. मतलब flower जो था invent हुआ था ये मतलब invent हुआ था हमें please करने के लिए नहीं, ये एक pollens के साथ pollens carried away होगा और reproduction के लिए. What we call flowers beauty is merely by product and the human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. Yes, those the following assumption hum isme kya kar sakte. Author of the passage believes that flowers are creation of the nature's luxury, and the author passage does not believe that the usefulness of flowers expect as thing of beauty. No, number one, so A only. The next question, when an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium, and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, and exclaimed the scientist. The first option, logical and the rational practical suggestion implied by the passage. It is cheap and practical method to produce limestone under commercial level. This can be used as one of the methods carbon
कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन। डेफिनेटली बेसल्ट रॉक की बात हुआ नहीं, गुड रॉक डिजॉल्विंग, तो आंसर। Geographic analysis 175 satellite image of the ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity and the ocean's surface, and found the giant ice barge are responsible for the storing up in 20% of carbon in the southern ocean. The researchers discovered that the melting water from the giant ice barge, which contained iron and the other nutrients, support hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth. Okay, so the first option, the based on the above passage following consumption, giant icebergs have a bearing on the primary productivity in the food chain. Melting the giant icebergs can produce climate change, affects the impact of the world fisheries. So isme bola hai kya that melting water from the giant icebergs, which contains iron and other nutrients, support hitherto unexpectedly high level of the phytoplankton growth. तो ग्रोथ के लिए ये हेल्प करती है। तो जायंट आइसबर्ग्स हैव बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑन द सदर्न ओशन। वन टू एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। द एवोल्यूशन हैज एंडोड द कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विद अ यूनिक एबिलिटी, दे कैन इंड्यूस अ प्लांट टू टर्न ऑफ the defense against the insects predators, and this helps caterpillars to eat more, grow faster. The agent that cause this effect caterpillars faces or frost, the find could throw new light on the compounds associated with plant response the pathogen like fungi or bacteria. तो इसमें देखो best practical message कौन सा है, farmers can use caterpillar the feed of the weeds ना, this finding can help in the development of the clinically useful antimicrobial compounds, but now this finding can help the development of the organic and ecologically sustainable pesticides. So the answer, so these are some questions. I hope aap logo ka question paper acha gaya hoga and you did well. Very good, all the best for your result. Thank you very much.